कार रेसिंग में दुनिया की सबसे बड़ी चैंपियनशिप फॉर्मूला वन को नया मालिक मिल गया है। अमेरिकी अरबपति जॉन शिमलोन की कंपनी लिबर्टी मीडिया ने इसे रिकॉर्ड 8 अरब डॉलर यानी 53,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। यह स्पोर्ट्स इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। इससे पहले इसी साल फेरिटा ब्रदर्स ने अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप को करीब 26.5 हजार करोड़ रुपए में बेचा था। फॉर्मूला वन को अरबों का साम्राज्य बनाने वाली एक्सकेलेटन अगले 3 साल तक इसके सीईओ बने रहेंगे। 85 साल के एक्सकेलेटन पिछले 40 साल से फॉर्मूला वन के चेयरमैन हैं। वहीं चेस कैरी फॉर्मूला वन के नए चेयरमैन होंगे। कैरी अभी 21 सेंचुरी फॉक्स के वाइस चेयरमैन हैं। उन्हें न्यूज कॉर्प में मीडिया मुगल रूपर्ट मडॉर्क के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा गया है। डील की पूरी प्रोसेस 2017 तक पूरी होगी। फॉर्मूला वन चैंपियनशिप के सबसे ज्यादा शेयर यूरोप की सबसे बड़ी फर्म सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स के पास थी। इसके पास करीब 35.5% शेयर है, लेकिन कुछ सालों में ये फॉर्मूला वन पर ध्यान नहीं दे रही थी। कई लोगों का आरोप है कि इस फर्म ने पिछले 10 सालों में खेल को आगे ले जाने में कोई काम नहीं किया। इससे हालात ये बने कि चैंपियनशिप मार्केट में अपनी साख खोती जा रही थी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।